भ्रष्टाचार सारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मजे की बात यह है कि दूसरों के भ्रष्टाचार को आधार बनाकर हर कोई अपना अपना भ्रष्टाचार छुपाने के जतन कर रहा है, दूसरे की बेशर्मी को बताकर अपनी बेशर्मी का उचित प्रतिपादन करने पर तुला हुआ। इनमें से कोई भी अपना घर सुधारने को तैयार नहीं है, कोई भी अपने पार्टी को या अपनी जमात को भ्रष्टों से मुक्त कराने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी कह रहा है कि चूंकि सामने वाले खेमे में भ्रष्ट लोग हैं, इसलिए मेरे खेमे के भ्रष्टों को भी आप सहन कीजिए। ऐसे में मुझे बरसों पहले दैनिक भास्कर में छपी हुई श्री बालकवि बैरागी की कहानी अचानक बहुत तेजी से याद आने लगी। कहानी कुछ यूं है कि बेरोजगारी से निजात पाने की कोशिश में एक देहाती लड़का एक अफीम तस्कर का कैरियर बन गया। काम चलता रहा, उसे पारिश्रमिक मिलता रहा, परिवार में एक बूढ़ी माँ और ये देख एक बेटा, ये दो सदस्यों की एक परिवार, आवश्यकताएं बहुत कम, इसलिए आवश्यकताएं बहुत आसानी से सहजता से पूरी होने लगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुलिस, आबकारी विभाग, ठेकेदार, तस्कर, ये सब कहीं ना कहीं मिले होते हैं और एक दूसरे को पाल तो पोसते रहते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते रहते हैं। इसीलिए तस्करी के मामले पकड़ने का कोटा पूरा करने के चक्कर में ठेकेदार से तस्कर से मिलकर उस बेरोजगार लड़के की गिरफ्तारी पुलिस में हो गई। लड़का जेल चला गया, उसकी बूढ़ी माँ बेहाल हो गई, रोने लगी। तस्कर ने अपने संदेशवाहक कमा भेजे और कहा कि माँ आप चिंता नहीं करें, आपकी पूरी देखभाल होगी और आपका बच्चा भी जेल से छूट के आ जाएगा। कुछ महीने साल महीने काम चलता रहा, तस्कर उसके यहाँ पैसे भेजता रहा माँ के लिए, उधर उसके छोरे की पेशियाँ चलती रही बच्चे की, और अंततः 1.5-2 साल में वो लड़का बाइज्जत बरी होकर न्यायालय से छूट गया। न्यायालय से छूट कर जब वो लड़का अपनी माँ के पास पहुँचा, शाम थी, शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। उसकी माँ घर से बाहर आकर आंगन में जो तुलसी चौरा था वहाँ पर दीप जलाने के उपक्रम में लगी हुई थी। लड़का आया आंगन में, उसने कहा माँ मैं बाइज्जत बरी होकर आ गया हूँ। माँ ने उसकी ओर देखा और कहा बेटा ये डूब अस्ताचलगामी सूर्य देवता साक्षी हैं, इनको साक्षी मानकर अपने आप से पूछकर तू मुझे बता तू क्या वाकई में बाइज्जत बरी हो गया है, और तेरा जवाब हाँ हो तो ही इस घर में आना। माँ की बात सुनकर वो लड़का बिना बोले चुपचाप उल्टे पांव लौट गया। हमारे सारे राजनीतिक दल उस बुढ़िया के घर में प्रवेश करने की इनमें से किसी के पास नैतिक अधिकार नहीं है, ये सब उल्टे पांव लौट के जाने वाले लोग हैं, ये हमारे संकट हैं। और जब तक ये सब अपना अपना घर नहीं सुधारेंगे तब तक हम एक दूसरे के इनके प्रतिवाद सुनने को अभिशप्त रहेंगे।